फ्रेंड्स एवरी वन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुशांत सर फ्रॉम SMS इंग्लिश अकेडमी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू यूज एडजेक्टिव्स। ओके, आप इज एम आर का चैप्टर में आप एडजेक्टिव को कैसे यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले एडजेक्टिव के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। ओके, सो विशेषण क्या काम है, विशेषण का क्या काम है, ठीक है फ्रेंड्स। विशेषण वो होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है। ओके फ्रेंड्स, सो एडजेक्टिव में हम ए या एन या एस या एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि किसी भी विशेषण को, किसी भी एडजेक्टिव को हम कभी गिन नहीं सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो विशेषण का इस्तेमाल करते हुए हम किस प्रकार के सेंटेंसेस बनाएंगे, एडजेक्टिव का यूज करते हुए किस प्रकार के सेंटेंसेस बनाएंगे, ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम चारों प्रकार का सेंटेंस देखने वाले हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल होगा रिच, और जानते हैं फ्रेंड्स रिच मीन्स होता है धनी। ओके, सो अब हम लोग रिच का एग्जाम्पल का यूज करते हुए हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो रिच का मैं धनी हूं, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं धनी हूं। ओके, सो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं के लिए आप यूज करेंगे आई, आई के साथ फ्रेंड्स हम लोग यूज करते हैं एम, धनी का रिच। एक बात याद रखेंगे फ्रेंड्स, यहां पे ए एन नहीं लगाएंगे, ये एडजेक्टिव है। ओके, आई एम रिच। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, नेगेटिव में नहीं लगता है मैं धनी नहीं हूं। ओके, सो मैं धनी नहीं हूं, नहीं के लिए हम लोग नोट लगाते हैं जो कि एम के जस्ट बाद लगता है, सो हमारा हो जाएगा आई एमंट रिच। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखने वाले इंटरोगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव देखने वाले हैं, जहां पे पॉजिटिव सेंटेंस के पहले में क्या लगाने से ही हमारा इंटरोगेटिव बन जाता है। सो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, इससे पहले में हमें क्या लगाना होगा, ठीक है। सो ये हमारा इंटरोगेटिव बनेगा, क्या क्या हम लोग लगा दिए, उसके बाद जो पॉजिटिव सेंटेंस उसको लिख देते हैं, क्या मैं धनी हूं। सो जैसे ही हम लोग इसको क्या लगाए हैं, सो उसका इंग्लिश बनाने के लिए हम लोग सिर्फ इज एम आर जो भी रहता है उसको बाहर करते हैं, तो यहाँ पे एम है तो इसको बाहर कर देंगे फ्रेंड्स। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा एम आई रीच। ओके फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे क्या लगा के। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। सो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है मैं धनी नहीं हूं। ओके, सो इससे पहले में हम लोग क्या लगाएंगे, तो हमें हिंदी वाला सेंटेंस मिलेगा, क्या मैं धनी नहीं हूं, क्या मैं धनी नहीं हूं। सो फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाए हैं, इसलिए यहां से एजेंट एमंट आरंट को बाहर करते हैं, तो यहां पे एमंट यूज हुआ तो एमंट को बाहर कर देंगे फ्रेंड्स। सो ये हमारा बन जाएगा एमंट आई रिच। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से हम चारों प्रकार का सेंटेंसेस देख लिए हैं, ठीक है। सो आप एक बार रिविजन कर लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स, मैं धनी हूं आई एम रिच, ए एन एकदम नहीं लगाएंगे, मैं धनी नहीं हूं आई एम एंड रिच, क्या मैं धनी हूं एम आई रिच, क्या मैं धनी नहीं हूं एमंट आई रिच। ओके फ्रेंड, सो इस तरह से पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं, पहला एग्जांपल था, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, देखते हैं चलिए। मैं गलत हूं आई, मैं के आई एम रोंग। ओके फ्रेंड्स, मैं गलत हूं आई एम रोंग। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने वाले हैं तो एम के जस्ट बाद नोट लगाने वाले हैं, तो हो जाएगा आई एमंट रोंग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अभी हम लोग बनाने वाले हैं क्या मैं गलत हूं, ठीक है। सो क्या मैं गलत हूं, मैं फ्रेंड्स एम बाहर आ जाएगा। ओके, सो एम बाहर हो जाएगा तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा एम आई रोंग क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप देखिए, क्या मैं गलत नहीं हूं, क्या मैं गलत नहीं हूं मैं, आप गौर करिए यहां पे एमंट बाहर हो जाएगा। ओके, सो एमंट बाहर हो जाएगा, सो हमारा सेंटेंस बन जाएगा एमंट आई रोंग। ओके फ्रेंड्स,
अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मैं कैसे गलत हूँ, आप कैसे का इंग्लिश सबसे पहले लिखना होगा। सो कैसे का इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं फ्रेंड्स हाउ। ओके सो कैसे, मैं कैसे गलत हूँ, हाउ, कैसे का हाउ लिख दिए, मैं गलत हूँ का आई एम रोंग नहीं लिखने वाले, इंट्रोगेटिव वाला लिखते हैं एम आई रोंग। सो हम लोग लिखने वाले हाउ एम आई रोंग। ओके फ्रेंड्स, अब इसका नेगेटिव बनाना है तो एम के जस्ट बाद खाली नोट देना है, तो हम लोग यूज करेंगे हाउ एमंट आई रोंग। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए आप यहाँ पे छह प्रकार का सेंटेंस हम लोग बना चुके हैं, जिसमें से कि हम लोग एडजेक्टिव गलत को यूज किए हैं, ठीक है। सो मैं गलत हूं, आई एम रोंग, उसके बाद मैं गलत नहीं हूं, आई एमंट रोंग, क्या मैं गलत हूं, एम बाहर हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके। सो एम आई रोंग, क्या मैं गलत नहीं हूं, एमंट आई रोंग, मैं कैसे गलत हूं, हाउ एम आई रोंग, मैं कैसे गलत नहीं हूं, हाउ एमंट आई रोंग। ओके फ्रेंड्स, सो एक बार चले और एक बार रिविजन कर लेते हैं, मैं गलत हूं, आई एम रोंग, मैं गलत नहीं हूं, आई एमंट रोंग, मैं क्या मैं गलत हूं, एम आई रोंग, क्या मैं गलत नहीं हूं, एमंट आई रोंग, मैं कैसे गलत हूं, हाउ एम आई रोंग, मैं कैसे गलत नहीं हूं, हाउ एमंट आई रोंग। ओके, इस तरह से फ्रेंड्स आप बना सकते हैं, ठीक है। आई एम रोंग, आई एमंट रोंग, एम आई रोंग, एमंट आई रोंग, हाउ एम आई रोंग, हाउ एमंट आई रोंग। ओके फ्रेंड्स, सो अब देखते हैं हम लोग तीसरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल क्यों आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वे लोग मूर्ख हैं। ओके, वे लोग के लिए फ्रेंड्स हम लोग को यूज करते हैं दे आर फूलिश, वे लोग मूर्ख हैं, दे आर फूलिश। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, वे लोग मूर्ख नहीं है। सो वे लोग दे, नेगेटिव में सिर्फ नोट लगाना पड़ता है यहां पे, तो नोट लगा देंगे दे अरंट फूलिश। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में हम लोग को आर को बाहर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके सो ये हो जाएगा हमारा आर दे फूलिश क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या वे लोग मूर्ख नहीं है। सो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग अरंट को बाहर करना पड़ेगा, सो अरंट को हम लोग बाहर कर देते हैं, सो ये हमारा हो जाएगा अरंट दे फूलिश। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं डब्ल्यू एच पॉजिटिव पे कैसे लिखा हुआ है। सो कैसे का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे हाउ, उसके बाद वे लोग मूर्ख हैं का दे आर फूलिश नहीं करेंगे, आर दे फूलिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो हाउ आर दे फूलिश। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं वे लोग कैसे मूर्ख नहीं है, आर के जस्ट बाद खाली नोट लगाना है, सो ये हमारा हो जाएगा हाउ aren't they foolish। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से हम लोग छह प्रकार का सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखिए, वे लोग मूर्ख हैं, दे आर फूलिश, वे लोग मूर्ख नहीं है, दे aren't foolish, क्या वे लोग मूर्ख हैं, आर दे फूलिश, क्या वे लोग मूर्ख नहीं है, aren't they foolish, वे लोग कैसे मूर्ख हैं, हाउ आर दे फूलिश, वे लोग कैसे मूर्ख नहीं है, हाउ aren't they foolish। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। इज को, एम को, आर को यूज करते हुए हमने तीन प्रकार का एग्जाम्पल दे दिया फ्रेंड्स, इसी प्रकार से यूज करते हुए आप होमवर्क बनाइएगा। ओके सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, थैंक यू।